पेश है स्काई वैली टीएमसी प्रोजेक्ट बाय दिनार डेवलपर महारेरा अप्रूव। इसमें 1 BHK 2 BHK और जोड़ी फ्लैट का भी कॉन्सेप्ट है जो 1 acre 7 story 6 tower में बना है विथ बिग कारपेट एरिया वो भी मार्केट के करीब। एमिनिटीज में 14,000 स्क्वायर फीट का गार्डन, क्लब हाउस, जिम, जॉगर्स पार्क, पावर योगा, कम्युनिटी हॉल, इंडोर गेम्स, 500 मीटर्स के रेडियस पर स्कूल और हॉस्पिटल, साथ ही 24 घंटे सिक्योरिटी, पावर लिफ्ट के साथ स्टील पार्किंग, इजी बैंक लोन अवेलेबल। स्पेशल ऑफर 3.5 लाख भरिए और 3 साल तक नो EMI। स्काई वैली आपका नया घर, आपका नया सपना। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद हम मुंब्रा बाईपास खड़ी मशीन रोड के पास में ही जो छोटी पुलिस चौकी है यहाँ पर, इसके पास में ही आज जो है करीब 5 बजे के आसपास में एक भयानक हादसा हुआ है जिसमें एक बाइक सवार की जो है मौत हो गई है। आप मेरे सामने ये जो देख रहे हैं कंटेनर खड़ा हुआ है, दरअसल बाइक सवार की टक्कर जो है इसी कंटेनर में हुई और वो बाइक सवार जो है काफ़ी दूर यहाँ पर बताया जा रहा है टक्कर हुई और बाइक सवार वहाँ पे जाके गिरा और घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पर थे, मौजूद थे, उन लोगों ने ऐसा बताया कि करीब 5 बजे के आसपास में आप देखेंगे ये शिलफाटा की तरफ से जो आने वाला ये रास्ता है और हल्का सा इसमें टर्न है और काफ़ी तेज़ रफ्तार में बताया जा रहा है कि ये बाइक सवार था और ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं ये कंटेनर जो है करीब दोपहर में ही ख़राब हुआ और इसका बनाने का जो है यहाँ पर काम किया जा रहा था, इसमें जो है वो बाइक सवार आके ज़ोर से टकराया और टक्कर काफ़ी भयानक थी और यहाँ से वो बाइक से उछल कर जो है वो व्यक्ति जो है यहाँ पर आकर गिरा और उसकी जो है घटना स्थल पर यहीं पर ही उसकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि इस हादसे की जानकारी जब मुंब्रा पुलिस को मिली और मुंब्रा पुलिस जो है यहाँ पर पहुँची, उसके बाद जो है उसके बैग था उसके पास में और उसका बैग जो है तलाश लिया गया, उसके फ़ोन से जो है कांटेक्ट किया गया तो फिर उस व्यक्ति का नाम जो है सामने आया, राजकुमार त्रिपाठी जो वसई का रहने वाला बताया जा रहा है, ऐसा पुलिस की तरफ से जो है जानकारी दी गई है। लेकिन ये दोपहर शाम के वक्त करीब 5 बजे के आसपास में काफ़ी भयानक ये हादसा यहाँ पर हुआ है और उसके बाद जो है एम्बुलेंस बुलाया गया, एम्बुलेंस के ज़रिए पुलिस ने जो है पंचनामा करने के बाद जो है डेड बॉडी को कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल भेज दी है। लेकिन जिस तरह से मुंब्रा बाईपास पर हादसे का सिलसिला लगातार जारी है, कभी कोई बड़ी गाड़ियों की चपेट में आ जाते हैं तो कभी और जो है स्कीड होने की वजह से बड़ी गाड़ियों के चपेट में आ जाते हैं, देखेंगे कि ये जो कंटेनर है ये ख़राब हुआ था दोपहर के वक्त और ये कंटेनर यहाँ पर बनाया जा रहा था। लेकिन जब वो शख्स जिसकी मौत हुई है राजकुमार त्रिपाठी, बताया जा रहा है कि वो काफ़ी स्पीड में था और स्पीड में होने की वजह से शायद वो बाइक का संतुलन जो है वो संभाल नहीं पाया और यहाँ से सीधा वो आया और यहाँ पर देखेंगे टक्कर हुआ और यहाँ से वो उछल कर जाकर आगे गिरा। हालांकि उसके बाइक पर, बाइक के पास जहाँ पर वो शख्स गिरा हुआ था वहाँ पर एक हेलमेट भी रखा हुआ था, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या हेलमेट राजकुमार लगाया था या नहीं लगाया था। अगर हेलमेट लगाया होता तो उसको इस तरह से चोट नहीं लगती, कम से कम काफ़ी कम चोट लगती उसको, लेकिन हेलमेट जो है बाजू में रखा हुआ था। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि हेलमेट जो है वो नहीं लगाया था और सर में ही जो है काफ़ी उसको चोट लगी थी, काफ़ी खून सर से जो है बह रहा था और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हुई। हालांकि पुलिस ने जो उनके परिवार है, जो रिलेटिव हैं, उन लोगों को इस हादसे की जानकारी दी और डेड बॉडी जो है मुंब्रा बाईपास से एम्बुलेंस के ज़रिए जो है कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस इस पूरे हादसे को लेकर आगे अपनी कानूनी कार्रवाई कर रही है।